नमस्कार साथियों, आज हम देखते हैं एनजीओ रजिस्ट्रेशन। यदि हम एनजीओ रजिस्ट्रेशन की बात करें, एनजीओ या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे समिति भी कहा जाता है, तो काफ़ी लोगों को इसमें परेशानी आती है। एनजीओ रजिस्ट्रेशन वो करने में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको, या परेशानी का सामना करते हैं वो। तो आज हम देखते हैं इजी वे में एनजीओ का रजिस्ट्रेशन। लेकिन आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये एमपी स्टेट के लिए हैं। जो अदर स्टेट के हैं उनको अपने संभाग के अंतर्गत जा करके उससे संबंधित जानकारी लेनी होगी, या फिर उनकी जो भी प्रोसेस है ऑनलाइन वो वहाँ पर देखना होगा। ये सभी जितने भी एमपी के लोग हैं और वो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो वो आसानी से ऑनलाइन जो है कि अपने एनजीओ का या समिति का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारा ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट देखते रहें और आसानी से ही आप अपने एनजीओ का रजिस्ट्रेशन घर बैठे ही कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आप अपने एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एमपी ऑनलाइन पर जाना होगा। एमपी ऑनलाइन डॉट जीओवी डॉट इन ये पोर्टल एमपी ऑनलाइन का है, ऑनलाइन पोर्टल है एमपी का। तो ये टाइप करें यहाँ, जिससे एमपी ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नागरिक सेवाओं के अंतर्गत जाना है और नागरिक सेवाओं के अंतर्गत आपको क्लिक करना है आवेदन को। जैसे ही आप आवेदन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आवेदन से संबंधित सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएंगे, और इन एप्लीकेशनों में आपको मिलेगा फर्म एम सोसाइटी, तो इसे आप क्लिक करें। जिससे यहाँ पर ये ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, यदि पहले से है तो नहीं है, अभी हम न्यू लेना चाह रहे हैं, तो न्यू यूज़र साइनअप को क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कुछ डिटेल आपसे फिल कर पाता है। यानी यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि क्या आप पहले से फर्म सोसाइटी पंजीकृत है, यदि हैं तो यस करें, नहीं है तो हम करना चाह रहे हैं, नहीं है यानी कहीं ना कहीं तभी तो हम करना चाह रहे हैं, तो हम इसे नो करेंगे। और यहाँ पर आपको आवेदक का नाम डालना है। अब एक एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए एक तो आपको जो है कि पहले सदस्य और एक मंत्रिमंडल, एक कंप्लीट समिति के अंतर्गत जितने भी मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट बनाना होगा। और उस मेंबर के अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक सहसचिव होता है, कोषाध्यक्ष होता है। ये चार मेंबर तो जो है कि हमारे मुख्य हो गए। इसके अलावा तीन और रहते हैं, इसमें संयुक्त सचिव भी बना सकते हैं आप, और बाकी को आप सदस्य में डाल सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो कार्य भूमिका है, कार्यपालिका इसकी कार्य प्रणाली है, उसमें अध्यक्ष का मेन भूमिका होती है, दूसरा सचिव की होती है, तीसरा कोषाध्यक्ष का होता है। बाकी के जो उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव जिसे कहा जाए, तो वो सेकेंडरी तौर पर आता है। जब सचिव नहीं हो और अध्यक्ष नहीं हो, तब उपाध्यक्ष की आवश्यकता लगती है। तो इस प्रकार से 7 सदस्य इसमें टोटल हो सकते हैं। मिनिमम इसमें 7 सदस्य होते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें इसमें रख सकते हैं, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपको सचिव या अध्यक्ष में से किसी एक का एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ ये आपके पास होना चाहिए। इसके साथ आपने जो बायलॉज बनाया है, नियमावली बनाई है, जिस भी पर्पज़ से आप काम करना चाहते हैं उसका बायलॉज बना लीजिए। बायलॉज में जो भी निर्देश आपको देना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, जिस भी जो भी पर्पस है। बस वो पर्पस जो है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जैसे होना चाहिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, वो सारे नियम इसके अंतर्गत आप बना सकते हैं। और कोई ट्रस्ट वगैरह संबंधित है तो वो उसका नियम डिक्लेरेशन, उसके अनुकरणिकाएँ हैं, वो एनजीओ की साइट पे जाकर के आप देख सकते हैं सारे बायलॉज, उसका निर्धारित बायलॉज जो है कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या क्या उसकी भूमिकाएँ हैं, वो सारी चीज़ आप उसमें देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना देख रहे हैं। चलिए तो ये यहाँ पर ये आपको सचिव या अध्यक्ष में से किसी एक का पूरा डिटेल यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए हम इसको डाल करके आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ हम एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि यूज़र नेम आपका ईमेल आईडी ही होगा, और वही यहाँ पर आपको चेक करना होगा। ईमेल आईडी डाल करके आपको उपलब्धता जांच को क्लिक करना होगा, और पासवर्ड आप एनी जो भी आप याद रख सकते हैं वो यहाँ पर बना सकते हैं। कोशिश करें कि जो कॉम्बिनेशन इसमें दिया हो उसके अनुसार आपका पासवर्ड हो। जैसे ही आप नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी और पासवर्ड आप बना करके सबमिट करेंगे, ये सक्सेसफुल का यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आपको जो आईडी पासवर्ड आपने डाला है उससे लॉगिन करना है। हम देखते हैं,
देखिए जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर फर्म का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं आप और उसी आईडी से सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और पहले कर चुके हुए को देखने के लिए आप आवेदन ट्रैक को क्लिक करके उन्हें देख भी सकते हैं। तो अभी हम रजिस्ट्रेशन करना देखते हैं। तो सोसाइटी ऑनलाइन पंजीयन को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप सरकारी एजेंसी सोसाइटी विभाग है, यदि सरकारी है तो हाँ करें, नहीं तो इसको नहीं करना है। क्या आप बेस नियमावली चाहते हैं, तो हम बेस नियमावली यदि चाहते हैं तो हाँ करेंगे, और यदि नहीं करेंगे तो आपको फिर यहाँ पर लोड करना होगी नियमावली बना करके। तो बेस नियमावली में ये रहेगा कि यहीं पर नियम आपको डाल देना है। देखो अब बड़े ही हम आसानी से इस सब चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर सोसाइटी का नाम आपको हिंदी में देना है, जिस भी नाम की समिति बनाए। तो इसके लिए बहुत अच्छा टूल है गूगल इनपुट टूल, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए जो भी समिति आपको बनाना है, जिस भी नाम की आपको बनाना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं बना देता हूँ नई जैसे मैंने नाम दिया सारगर्भित सामाजिक सेवा, ये मैं एक माना कि समिति बनाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और ध्यान रखना है कि ऐसा नाम देना है जो यूनिक हो, कहीं ना कहीं अन्य समिति रजिस्टर्ड होती है वो नाम आपको नहीं देना है। या फिर आप अपने लोकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं, आपका गांव या शहर का नाम डाल दें ताकि उस गांव और शहर में वो समिति नहीं होगी। यदि आप नहीं डालोगे तो वो ऑल एमपी पे चला जाएगा, ऑल स्टेट लेवल पे चला जाएगा। तो वो नाम हो सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत दूसरी समिति का भी वो नाम हो, तो एक नाम से दो समिति रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। दूसरा यहाँ पर ध्यान देना है, सोसाइटी का प्रधान कार्यालय जो है वो सचिव या अध्यक्ष, जो भी आप जिनके आईडी प्रूफ लगाएंगे, एड्रेस प्रूफ उनका लगाएंगे वही यहाँ पर होना चाहिए, उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए, वही वहाँ का आपका प्रधान कार्यालय होगा। जिला आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तहसील सिलेक्ट करना है, ईमेल आईडी सिलेक्ट करना है, संस्था का पंजीयन या सचिव दोनों में से एक का जो है कि पंजीयन सॉरी संपर्क नंबर यहाँ पर डालना है, पिन नंबर यहाँ पर डालना है, संस्था का प्रकार तो साधारण संस्था है, महिला मंडल है, युवक मंडल है या नगरी प्रशासन विकास अधिनियम कॉलोनियाँ हैं, तो अधिकतर साधारण संस्था ही रहती है। एनजीओ हमारा साधारण संस्था के अंतर्गत आता है, मंडल युवा मंडल और महिला मंडल का भी आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा सकते हैं। और जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे उसमें भी दो स्थिति होती है, सामान्य और तत्काल। सामान्य के अंतर्गत थोड़ा प्रोसीजर टाइम ज़्यादा रहता है और तत्काल के अंतर्गत 15 दिन के अंतर्गत सारी प्रोसेस हो जाती है, लेकिन तत्काल की फीस भी ज़्यादा होती है, तकरीबन 5,000 आती है, वहीं पर सामान्य की फीस 3,000 आएगी। अब यहाँ पर आपको डालने हैं आपके उद्देश्य। तो देखिए यहाँ पर उद्देश्य नंबर एक यहाँ पर डाला हुआ है, तो जो भी आपका उद्देश्य है समिति के उद्देश्य भी कार्य के अनुसार होने चाहिए। जो भी आपको काम करना है, जो लक्ष्य आपने लिए हैं वो उद्देश्य यहाँ पे डालें, ऐसा नहीं कि कुछ तो भी उद्देश्य उठा करके डाल दें। जितने उलझन वाले उद्देश्य होंगे उतने ही आपके एनजीओ के लिए समस्याएं क्रिएट करेंगे। तो आपके उद्देश्य जो कि स्पष्ट होने चाहिए, संस्था के सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, और साथ ही साथ जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए कहीं जाते हैं तो उस सामने वाले को भी आपके उद्देश्य आसानी समझ में आ जाए, इस प्रकार के उद्देश्य आपके होने चाहिए। अब यहाँ पर उद्देश्य के कोई पर्टिकुलरली टारगेट नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है कि इतने उद्देश्य हों, जितने चाहे उद्देश्य आप डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम एक समिति के 10 से 12 15 उद्देश्य रहते हैं तो वो आप यहाँ पर डालें। इससे ज़्यादा भी यदि आपके उद्देश्य हैं तो उद्देश्य क्रमांक फर्स्ट आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, जैसे सामाजिक सेवा की भूमिका निभाना या सामाजिक सेवा कार्यक्रमों का संचालन करना। हम लिख देते थोड़ा सा, मैं इसको कंप्लीट अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि हमें कोई रजिस्ट्रेशन करना नहीं, मैंने सिर्फ आईडी बना दी है आप लोगों को सीखने समझने के लिए। तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएं, साथ ही साथ कुछ ध्यान रखें, यहाँ पर मात्रा और की गलती नहीं होना चाहिए, शब्दों की गलती नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए ताकि आपका रजिस्ट्रेशन एक बार में ही आपको मिल जाए, यानी उसमें बार बार त्रुटि आएगी तो आपका जो एनजीओ रजिस्ट्रेशन है वो डिले होगा और उनकी कमियों की पूर्ति करना पड़ेगी और ऐसे में समय काफ़ी लग जाएगा। तो यहाँ पे डाले अगला नियम, यदि आपको डालना है तो एड ऑप्शन को क्लिक करें, जिससे अगला नियम यहाँ पर ये आ गया है। इस दूसरी लाइन में आप अगला नियम लिखें, इस प्रकार से सारे नियम लिख लीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि साथियों यदि आपको यहाँ पर थोड़ी समस्या आती, होता क्या है कि इसका टाइम पीरियड रहता है, उतने समय में आपको फिल करना रहता है,
तो आप वर्ड के अंतर्गत सारे नियम पहले से टाइप करके रख लीजिए और उधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दीजिए। बहुत ही अच्छा तरीका है। एक बार बनाने के बाद आपको बाद में कभी उसमें कोई संशोधन करना तो वहीं से आप संशोधन करके कॉपी पेस्ट भी इधर कर पाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। यदि यहीं पर आप टाइप करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा और हो सकता है कि आपको ब्राउज़र बाहर कर दें, तो ये यहाँ पर ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ अब आता है अगला पैरा आपका, समिति के जितने भी मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट के आपके मेंबर्स हैं, वो उनकी सबकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। नाम डालना है, पिता पति का नाम डालना, उनका पद किसको क्या आपने दिया, उनका एड्रेस यहाँ पे डालें और किस जिले में, ये सारा आपको डालना है। प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ पे डालना है, किसको अध्यक्ष है, किसको उपाध्यक्ष, किसको सचिव, किसको कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, सदस्य, सदस्य किनको बनाए। इसके अलावा और भी सदस्य हैं तो आप यहाँ पर एड को क्लिक करें और जो है कि उनका डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक गवाह जिसे हम कहें साक्षी, उसका नाम, पिताजी का नाम और उसका पूर्ण पता भी आपको डालना है, मकान नंबर सहित। ये विशेष ध्यान रखें, साक्षी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद यहाँ पर चुने गए सोसाइटी संबंधी दस्तावेज को टिक लगाना है, जैसे नियमावली आप डाल रहे हैं, पदाधिकारी पहचान पत्र की जानकारी, तो इसमें दो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे, एक तो आपका एड्रेस प्रूफ और दूसरा है फोटो प्रूफ, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैंडेटरी है। दो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है और वो भी PDF फॉर्मेट में। तो हमने इसके पहले हमारी वीडियो में आपको पावर पॉइंट के माध्यम से बताया था किस प्रकार से PDF क्रिएट करें, तो वहाँ से PDF क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा और उसी के बाद आपको जो है कि डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है, साथ ही साथ एक नंबर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इसका जनरेट हो जाएगा। टेम्प्रेरी नंबर होता है, बाद में वही नंबर कहीं ना कहीं परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो टेम्प्रेरी नंबर आप जो है कि लिख लीजिए। साथ ही साथ इसका चालान जनरेट होता है, चालान होता है इसका 3000 रुपये का, जो रजिस्ट्रेशन के समय आया था अभी ऊपर 2000, तो इसके समिति उसके धारा 27-28 का होता है, तो इसकी शुल्क होती है 3000 रुपये। तो 3000 रुपये का आपको चालान यहाँ पे पे करना होगा। तो चालान के लिए हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें समिति का चालान आप कैसे जनरेट करें वो बताया है। दूसरा भी है, हम यहाँ से देख लेते हैं, बहुत इजी है चालान जनरेट करने के लिए। आप MP ट्रेजरी साइट को ओपन करें। ये देखिए, मैंने mptreasury.org यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इसके अंतर्गत साइबर ट्रेजरी को आपको क्लिक करना है। साइबर ट्रेजरी के अंतर्गत आपको मिल जाएगा फर्म एंड सोसाइटी, इसे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो टेम्प्रेरी आएगा उसे आप डाल देना है आपको। इसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी आपका संभाग आता है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, वो आपको सेलेक्ट करना है। आपने समिति का नाम क्या बनाया, अभी भले रजिस्टर्ड होकर के नहीं आया पर जो भी आपने नाम डाला है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। एड्रेस आप डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए। हेड नंबर यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है वो बाई डिफ़ॉल्ट आ ही जाएगा 1475। और पर्पस जो है, पर्पस में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी S7 ये सेलेक्ट करना है। एक्सेसमेंट ईयर जो भी आपका चल रहा हो, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अमाउंट में हमने बता ही दिया था आपको 3000 रुपये इसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, तो जो भी आ रहा हो तत्काल का 5000 है, सामान्य का 3000 है। जिस भी बैंक से आप चालान बनाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे फिल कर दिए, तो बहुत इजी है चालान बनाना भी। इसके बाद उस चालान की जो प्रिंट है वो आपको जैसे आप सबमिट करेंगे तो डॉक्यूमेंट के बाद चालान की प्रिंट आपको अटैच करना है और इसको फाइनल सबमिट कर देना है। 100 रुपये का इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क आपका माइनस होगा। और यदि आप कियोस्क माध्यम से करवाते हैं तो टाइपिंग चार्जेस और ये अन्य अलग से ले आते हैं, जैसे बायलॉज के जो नियम हैं उसके टाइपिंग बहुत ज़्यादा डेटा भी हो सकता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो कियोस्क चार्ज अलग है। आपका जो टोटल ऐसे चार्जेस देखा जाए तो 3100 रुपये है, प्लस चालान का चार्जेस अलग है जो 3000 रुपये का चालान पड़ेगा। या तो आप खुद कटवा सकते हैं या किसी भी ऑनलाइन कियोस्क के पास आप जा सकते हैं। तो साथियों, ये थी जो है कि NGO रजिस्ट्रेशन की बात, कि किस प्रकार से आप अपने NGO का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। NGO के रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत दो प्रकार से NGO काम करता है, एक तो वह जो है कि उसका क्राइटेरिया है, उसके नियम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग वो काम करता है, और अपना जो भी सामाजिक गतिविधियाँ है, शैक्षणिक गतिविधि है, उनके अंतर्गत वो काम करता है। कुछ NGO इस प्रकार के होते हैं जो फंड लेकर के काम करते हैं और सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे NGO जो फंड लेना चाहते हैं और NGO को आगे बढ़ाना चाहते हैं हैं, वो नीति आयोग पर रजिस्ट्रेशन करें। वर्तमान समय में नीति आयोग पर रजिस्ट्रेशन उसके लिए जरूरी है। इसके अलावा धारा सॉरी 12F के अंतर्गत और ATC इसके नियम से होते हैं, उनके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाएं, और उसके अंतर्गत आप बाहर से भी फंड ले सकते हैं, विदेशों से फंड ले सकते हैं, और अन्य जो भी संस्थान है
अन्य कंपनीज है जो डोनेशन करने का काम करती है, डोनेट करने का काम करती है, उनसे भी अपना फंड लेकर के, अपना गलत बोल दिया मैंने, फंड लेकर के अपने एनजीओ के माध्यम से सामाजिक कार्य को कर सकते हैं। यदि साथियों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से टेक्निकल नॉलेज और एजुकेशन चैनल सॉरी एजुकेशनल डेटा आपको प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और हम इसके साथ ही अभी MPG के और अन्य एजुकेशनल वीडियो भी इस पर लॉन्च कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब भी हमें लगता है कि आपको कहीं ना कहीं टेक्निकल ज्ञान की ज़रूरत है, वहाँ पर हम आपके लिए टेक्निकल वीडियो भी बना करके प्रदान करने का काम करते हैं या पहुँचाने का काम करते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।